don't forget to click on bell icon to get all latest updates. तो आइए जानते हैं बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने टीचर्स को लेकर क्या कहा। सलमान खान ने अपने टीचर को याद करते हुए कहा कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल फादर अलियो सबसे फेवरेट टीचर थे। वो मुझ पर जान छिड़कते थे। वो स्पेनिश थे। 10वीं पास होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कहा कि सर मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, मुझे तुम पर प्राउड है, तुम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। मैंने सेंट जेवियर्स में एडमिशन लिया क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। उस टाइम पे आर्ट्स लेने वालों के बारे में लोग समझते थे कि ये तो कॉलेज में पढ़ने नहीं टाइम पास करने आए हैं। इसीलिए मैंने साइंस ले लिया। घर आया तो सब खुश थे और कहने लगे कि सलमान तो डॉक्टर बनेगा, लेकिन मेरे पिताजी जानते थे कि मेरे अंदर आर्टिस्ट छुपा है। वो बोले अगर 2 महीने भी इसने साइंस कर लिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। फिर एक दिन फादर आलियो मेरे घर आए और उन्हें पता चला कि मैंने साइंस लिया है, तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और बोले कि दिल में आर्ट के लिए प्रेम है और तू डॉक्टर बनेगा। ऐसे थे मेरे सबसे फेवरेट टीचर फादर आलियो। वो जानते थे कि मेरी रुचि किस क्षेत्र में है। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कैंसर के कारण वो कुछ साल पहले गुजर गए। वही श्रद्धा कपूर ने बताया कि इंस्टाग्राम के क्वोट्स भी किसी टीचर से कम नहीं है। शुरुआती दिनों की बात करूं तो कास्टिंग डायरेक्टर्स की वर्कशॉप एक्टर के तौर पर बेहतर बनने में वो मददगार रहे। मुकेश छाबड़ा उस मायने में कमाल के टीचर रहे हैं, वो बड़े टफ टास्क मास्टर हैं। श्रद्धा मानती है कि ट्रैवलिंग से भी जिंदगी के बारे में जानने को काफी कुछ मिलता है। मनीषा कोइराला ने भी टीचर्स के बारे में बात करते हुए कहा कि 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर्स ने मेरे जिंदगी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। विधु विनोद चोपड़ा मेरे पहले गुरु है। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के समय उन्होंने मुझे काफी मदद की थी। मेरे दूसरे गुरु हैं संजय लीला भंसाली। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था। मैं उनको हमेशा से ही अभिनय का गुरु मानती हूँ। मेरे तीसरे टीचर है सुभाष घाई। मैं सोचती हूँ कि विवेक मुशान और मैं काफी ही नसीब वाले हैं कि हमें सुभाष जी जैसे बड़े निर्देशक ने फिल्म सौदागर में इतना बड़ा मौका दिया। इस फिल्म के बाद हमारी किस्मत ही बदल गई। इस वजह से मैं उनको मेरा सबसे बड़ा गुरु मानती हूँ। मनोज बाजपेयी ने भी अपने टीचर्स के बारे में कहा कि जीवन में 2 टीचर्स ऐसे रहे हैं जिनके प्रति मैं हमेशा नतमस्तक हूँ। इनमें से एक है बैरी जॉन, जिन्होंने मुझे रंगमंच पर उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उन्होंने मुझ पर बहुत ही विश्वास किया और उनके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे दूसरे गुरु आध्यात्मिक है, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। उन्होंने मुझे सही मायनों में जीवन का उद्देश्य समझाया है। वही विद्या बालन टीचर्स के बारे में बात करते हुए कहती है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि साउथ की है, मैं चेंबूर गर्ल हूँ। इसके बावजूद लोगों को मेरी हिंदी बहुत ही साफ और अच्छी लगती है और इसकी बहुत ही तारीफ होती है। उसकी वजह मेरी स्कूल टीचर है। उसका श्रेय मैं अपनी टीचर उषा टंडन को देना चाहूंगी। वो मेरी हिंदी की टीचर थी। जब मैंने एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया तब मैं उनके पास जाती थी। उनको मैं हर टीचर्स डे पर याद करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।